आज दिनांक 9/11/2022 में विकासखंड पानागर में कार्यालय कृषि विकास पदाधिकारी में कृषक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कि जबलपुर जिले से उप परियोजना संचालक श्रीमती नविता उड़कुड़े मैम एवं जबलपुर के विके से डॉक्टर नितिन सिंह सर एवं SADO श्रीमती रश्मि परसाई मैम उपस्थित रहे। संगोष्ठी में कृषकों को प्राकृतिक खेती एवं रवि फसलों की तैयारी की पूरी जानकारी विस्तृत रूप से दी गई। आत्मा परियोजना अंतर्गत कृषि सुधार एवं विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत कृषक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी दी गई। प्राकृतिक खेती के मुख्य घटक जो है उसमें प्रशिक्षण किसानों को बनाने का और स्वयं वो कैसे तैयार करें इसके बारे में समझाया गया। विशेष करके बीजामृत, घनजीवामृत, जीवामृत, ब्रह्मास्त्र, निमास्त्र, त्रिगुण, दसपर्णी, पंचपर्णी, इन सभी चीजों की जानकारी दी गई। प्राकृतिक खेती में गाय कितनी महत्वपूर्ण है और कृषि की लिए कितनी जरूरत है गाय की, गाय मुख्य रूप से प्राकृतिक खेती की रीढ़ की हड्डी है। गाय का चयन प्राकृतिक खेती में इसलिए किया गया क्योंकि वो सर्वमान्य है और सर्वगुण संपन्न है। गाय का गौ मूत्र, गोबर एवं विसर्जित होने वाले सारे पदार्थ बहु उपयोगी होते हैं, जो कि किसान के लिए अत्यंत लाभकारी होते हैं। जब किसान गौ आधारित खेती या प्राकृतिक खेती करता है तब किसान को निश्चित रूप से वही लाभ प्राप्त होते हैं जो वो वर्तमान में कर रहा होता है। अनुभव में आया है कि जब किसान ने प्राकृतिक खेती शुरू की तो उस खेत में की मिट्टी है वो सांस लेने लगी, मिट्टी में नमी आ गई, लचीलापन आया। जैसा कि कहा जाता है जो माटी है, मिट्टी है, वो एक जीवित तंत्र है। तो जब हम जीवामृत, घनजीवामृत, बीजामृत और प्राकृतिक रूप से खेती करते हैं तो निश्चित तौर से हमारी भूमि सुधार होता है और अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।